मेरी उम्र 13 बरस की थी और 13 साल में हमारे यहाँ शादी करना ज़रूरी हो जाता था। फिर मेरी जन्म पत्री में कुछ शनि वगैरह ऐसा कुछ था, तो उसके लिए मुझे दूजवर यानी पहली वाइफ मर गई हो तो दूसरा आदमी। शादी होकर बम्बई आई, 2 बच्चों को संभाला। फिर 2 साल गुजरे होंगे कि फिर मेरे को 1 बच्चा हुआ। फिर 2 साल गुजरे कि ये हंसा हुई, इस तरह के 4 बच्चे हो गए मेरे पास। मेरी शादी होने के बाद से ही योग तो शुरू हो गया था, तो वो खुद करते थे, मुझसे बोलते तू भी कर, फिर मैं भी करती। तो शीर्षासन, पद्मासन, मुक्तासन सब आसन तो करते ही करते थे हम लोग। ये उम्र में आसन तो मैं छोटे मोटे दूसरे ही करती हूँ, पद्मासन वगैरह। अम्मा अब तू 92 ईयर की हो गई है, लगता है तुझे कि तू 92 साल की है? मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि सब बच्चे मेरी तरह हेल्दी रहे हमेशा। कैसे तू फिर योग का क्या किया? मैं सीख जल्दी रहती थी, वो कहते ऐसा कर तो वैसा करते, ऐसा कर तो ऐसा कर, तो उनको अच्छा लगता था तो ठीक रहा। फिर तो मेरे को देख के तुम चिन्नी मिन्नी भी करते थे बच्चे लोग। किस्सा सुना थी, तू प्रेग्नेंट थी तब भी ऊपर से जंप मारती? हाँ, जंप मारती थी भाई। एक दिन काशी भाई आई जैसे मिले, तो उसने बोला का वेड़ी झाली का, इनका का झाला आता बोड़ा नहीं मारे चा। जब मुझे 6ठा महीना था तो मैं सी मस्ती खोती काशी बनी चिड़ी मेरे ऊपर आके डॉक्टर। हिंदी में भी तो लगभग एमए जितना किया, एमए पास लगभग हुआ, फिर इंग्लिश में किया, इंग्लिश सीखी और सब कुछ किया, चला लिया। बच्चों को भी बीच में रोटी खाना बनाती, रोटी बनाने वाला नहीं रखा मैंने, मैंने बोला रोटी मैं बनाऊंगी चाहे कैसी भी, आप लोग खा लोगे तो बोलते हैं हम खा लेंगे, ठीक है। फिर जिंदगी गुजरती चली जाती है। बचपन से ही मैं योग करती आ रही हूँ क्योंकि पिताजी को बहुत शौक़ था, और फिर बड़ी हुई और उसके बाद यहाँ द योगा इंस्टीट्यूट में आई, वहाँ से बराबर सीखा योग, और फिर यहीं शादी की डॉक्टर जयदेव के साथ में, और इसके बाद में तो योग में जीवन ही पूरा आगे चलता रहा। मैं मेरी माँ को बचपन से देख रही हूँ कि माँ बहुत ही आइडियल गृहिणी थी, जो भी पिताजी बोलते थे वो कभी भी आर्ग्यू नहीं करती थी। बहुत सी चीज़ें वो गलत बोलते थे कि बच्चों को मत भेजो म्यूज़िक में या ये करते, चुपचाप सुन लेती थी, और फिर वो अपने आप अपनी गुल्लक से थोड़ा सा पैसा निकाल के वहाँ फीस भरने के लिए दे देती थी कि तुम जाओ और फीस भरो और सीखो। तो ये शक्ति मैंने माँ में देखी। फिर देखा कि बीमार कभी नहीं पड़ती। एक बार तो उनकी स्टिच करते वक्त निडल आर पार हो गई थी, मगर जर्रा भी हूँ चू नहीं किया, चुपचाप उंगली बांध दी और वापस काम करने लगी। इतनी उसमें सहन शक्ति। मैसेज तो यही देना चाहती हूँ, आलसी मत बनो, आपका शरीर ठीक रहा तो आपका स्वभाव भी ठीक रहेगा। तो आप देख रहे हो कि योग की कोई उम्र नहीं है, कोई चीज़ बर्डन जैसा है नहीं, आदमी करेगा तो अपने आप वो आगे बढ़ेगा और उससे फ़ायदा होगा। तो इस उम्र में भी जब वो स्वस्थ रह सकती और आगे भी, किसको पता है हर इंसान की क्या उम्र है, मगर जब तक वो रहेगी वो स्वस्थ ही रहेगी, क्योंकि वो जीवन जीना सीखा है उसने, वो अच्छी तरह जीवन जी रही है, और यही हमें भी सबको सीखना है।